लोकसभा चुनाव के लिए सातवें चरण की वोटिंग के बीच दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की मीटिंग हुई, जिसमें गठबंधन के कई दिग्गज नेता पहुंचे। बता दें कि मीटिंग खत्म होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक के निष्कर्ष के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें जीतने वाला है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक समाप्त होने के बाद गठबंधन के नेताओं ने विक्ट्री साइन भी दिखाया। इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, मीडिया के मेरे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए दूसरे पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम ढाई घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है, और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए, ये चीज़ पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे।